नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का अर्थ होता है न्याय। न्याय का अर्थ होता है निष्कर्ष, अर्थात दिए गए दो अथवा दो से अधिक कथनों के आधार पर तार्किक दृष्टिकोण से निकाला गया निष्कर्ष ही न्याय, सिलोगिज्म कहलाता है। इस अध्याय में संबंधित प्रश्नों में दो या दो से अधिक आधार वाक्य अर्थात कथन, स्टेटमेंट और प्रीमिसेस दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को इन कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सर्वज्ञात तथ्यों एवं सर्वमान्यताओं से सर्वथा विपरीत ही क्यों न हो, यानी सभी मान्यताओं की अवहेलना करते हुए दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करना होता है कि उनके आधार पर निकाले गए कौन सा निष्कर्ष तार्किक दृष्टिकोण से सत्य है। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों में दिए जाने वाले कथनों की प्रकृति सामान्यतः चार प्रकार की होती है। हमेशा याद रखें, ऑल रिलेटेड स्टेटमेंट होने पर उस पर आधारित सम रिलेटेड कंक्लूजन हमेशा सही होता है। ऐसे कथन में प्रेडिकेट से जब सब्जेक्ट के रूप में निष्कर्ष निकालते हैं तो हमेशा कुछ के रूप में होता है। समानता सकारात्मक कथन पॉजिटिव स्टेटमेंट से नकारात्मक निष्कर्ष नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष सामान्यतः नहीं निकलता है। यदि हम कहें कि सभी हाथी घोड़े हैं तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि निष्कर्ष के रूप में कथन की पुनरावृत्ति री स्टेटमेंट मान्य नहीं होती है। सभी घोड़े हाथी हैं भी निष्कर्ष के रूप में मान्य नहीं होगा, क्योंकि प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ सभी ऑल के रूप में निष्कर्ष नहीं निकलता है। यहाँ पे देखें कि एक कथन दिया हुआ है और उसके छह निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सही है कौन गलत है हम ये देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि सभी हाथी जो हैं वह घोड़े हैं। तो सभी हाथी अगर घोड़े हैं तो हाथी को हम बीच में सर्किल कर देंगे, और सभी हाथी घोड़े हैं इस तरह से घोड़े के अंदर उसको ला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कथन होता है उसका एक डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें स्टेटमेंट नंबर वन कहता है कि कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं। तो इसमें जो है, जब ये पूछ रहा है कि कुछ हाथी जो हैं वह घोड़े नहीं हैं, तो यहाँ तो सभी हाथी घोड़े हैं, तो यह स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो जाता है। इस तरह से दूसरा कह रहा है कि कोई हाथी घोड़ा नहीं है, तो इस तरीके से ये हम कहेंगे कि ये भी गलत है, क्योंकि सभी घोड़े जो हैं, सभी हाथी जो है वह घोड़े हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ घोड़े हाथी नहीं हैं, तो कुछ घोड़े हाथी नहीं हैं ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि सभी हाथी घोड़े हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है कि कुछ घोड़े हाथी नहीं हैं। यहाँ पर सभी हाथी घोड़े हैं, इस तरह से तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ घोड़े हाथी हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी हाथी जब घोड़े हैं तो कुछ हाथी जो है, कुछ घोड़े जो है वो हाथी हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सभी घोड़े हाथी हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है, कुछ हाथी घोड़े हैं तो बिल्कुल सही है, कुछ हाथी घोड़े हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट सिक्स और स्टेटमेंट फोर जो है वो सही है, बाकी स्टेटमेंट बाकी निष्कर्ष गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। आपका कथन है कि सभी हाथी घोड़े हैं, सभी घोड़े मनुष्य हैं। तो सभी हाथी जब घोड़े हैं तो सबसे पहले हम हाथी को लेंगे और उसके बाद उन सभी हाथियों को घोड़े के अंदर रख देंगे। तो इस तरीके से अगला स्टेटमेंट है कि सभी घोड़े मनुष्य हैं, तो घोड़े को हम मनुष्य के अंदर रख देंगे। इस तरीके से हमारा डायग्राम तैयार हो गया। इसके बाद अब स्टेटमेंट कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ हाथी घोड़े हैं, तो बिल्कुल कुछ हाथी जो है घोड़े नहीं है, बल्कि सभी हाथी यहाँ पे घोड़े हैं। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट नंबर वन है कि कुछ हाथी घोड़े हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी हाथी घोड़े हैं और यहाँ पे कुछ हाथी अगर घोड़े हैं बोल रहा है तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से कुछ हाथी मनुष्य हैं बिल्कुल सही है,
क्योंकि सभी घोड़े जब मनुष्य हैं तो सभी मनुष्यों में हाथी भी आ जाता है, और इस तरीके से कुछ हाथी मनुष्य हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है कि कुछ घोड़े हाथी हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ घोड़े जो हैं वह हाथी हैं, क्योंकि सभी हाथी घोड़े हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ घोड़े जो हैं वह हाथी होंगे, आप फिगर में भी देख सकते हैं। इस तरीके से अगला स्टेटमेंट है कि कुछ मनुष्य घोड़े हैं, बिल्कुल सही है, कुछ मनुष्य बिल्कुल घोड़े हैं, क्योंकि सभी घोड़े मनुष्य हैं, तो कुछ मनुष्य जो हैं वह घोड़े हैं। अगला है कि कुछ मनुष्य हाथी हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ मनुष्य हाथी, क्योंकि सभी मनुष्यों में ही घोड़े और हाथी दोनों आ रहे हैं, इस तरह से ये स्टेटमेंट भी सही है। सभी हाथी मनुष्य हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे सभी हाथी जो हैं, सभी हाथी जो है सभी घोड़े हैं और सभी घोड़े मनुष्य हैं, इस तरह से सभी हाथी मनुष्य हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका 6 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ कागज़ कलम हैं, यहाँ पे कथन है और निष्कर्ष है कि कुछ कलम कागज़ हैं। यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे कथन के अनुसार कि कुछ कागज़, तो हमने देखिए यहाँ पे आंशिक भाग में कलम बनाया है और यहाँ पे कुछ भाग को हमने उससे टच करवा दिया है, यहाँ पे कुछ कागज़ कलम है यानी सभी नहीं है, तो कुछ को हम यहाँ पे टच करवा दिए हैं। इसके बाद हमारा निष्कर्ष है कि कुछ कलम कागज़ हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ कलम कागज़ हैं, कुछ कलम कागज़ नहीं है, तो ये आपका जो है गलत है कि कुछ कलम कागज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ कलम कागज़ हैं, कुछ कागज़ कलम नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कागज़ कलम हैं, सभी कलम कागज़ हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी कलम कागज़ हैं, यहाँ पे कुछ कलम ही कागज़ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला है कि सभी कागज़ कलम हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है कि सभी कागज़ कलम हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही कागज़ कलम है। अब कह रहा है कि कोई कलम कागज़ नहीं है, तो ये भी गलत है कि कोई कलम कागज़ नहीं है। इस तरीके से स्टेटमेंट जो है वन को छोड़ करके सभी स्टेटमेंट गलत हैं। सिलोगिज्म में कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे जब हम, तो उसके अनुसार सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और उस फिगर से हम निष्कर्ष को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, कुछ कागज कलम हैं, कुछ कलम पुस्तक हैं, तो हमने डायग्राम बना लिया उसका, तो यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं बन रहा है। कुछ कागज कलम है, तो हमने कागज का कुछ भाग कलम से रिलेटेड कर दिया, और कुछ कलम पुस्तक हैं, तो ये आपका जो है पुस्तक को हमने रिलेट कर दिया कलम से। तो अब क्या है कि कह रहा है कि कुछ पुस्तक कलम है, तो कुछ पुस्तक कलम है बिल्कुल सही है, और कुछ कलम कागज हैं, तो कुछ कलम जो है कागज हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, कोई पेड़ पत्ते नहीं हैं, कोई पेड़ पत्ते नहीं हैं, तो यहाँ पे पेड़ दिया हुआ है और पत्ते का मैंने डायग्राम बना लिया, उसके बाद इन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है, कह रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते नहीं हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है कि कुछ पेड़ पत्ते नहीं हैं, यहाँ तो सभी पेड़ पत्ते नहीं हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ पत्ते पेड़ नहीं हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सभी पत्ते पेड़ नहीं हैं। तो यहाँ पे अगला है फोर्थ नंबर, कोई पेड़ पत्ते पेड़ नहीं हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे जब पेड़ ही पत्ता नहीं है तो पत्ते पेड़ भी नहीं होंगे। इस तरीके से 2, 3 और 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद 5 की बारी आती है, सभी पत्ते पेड़ हैं, तो ये भी गलत है कि सभी पत्ते पेड़ हैं, ये स्टेटमेंट मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, कोई कुत्ता गधा नहीं है, कोई गधा बैल नहीं है, यानी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो हमने उस अनुसार फिगर बना लिया
अब उसका निष्कर्ष हम देखेंगे। कोई गधा कुत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि कोई गधा कुत्ता नहीं है। कोई बैल गधा नहीं है तो बिल्कुल सही है कि कोई बैल गधा नहीं है, क्योंकि कोई इंटर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं, बिल्कुल सही है कि यहाँ कोई भी कुत्ता जो है गधा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कुछ गधे बैल नहीं हैं, अरे ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ कुछ क्या सभी जो है बैल नहीं है। अब है कुछ गधे कुत्ते नहीं हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गधा कुत्ता नहीं है। कुछ बैल गधे नहीं हैं, कोई बैल यहाँ गधा नहीं है। तो इस तरीके से ये सभी स्टेटमेंट जो हो गए सही हो गए और सभी निष्कर्ष सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, कुछ सड़क नदी नहीं है। कुछ सड़क नदी नहीं है यानी कि सड़क को हमने फिगर बनाया, उसमें से कुछ को हमने कलर कर दिया है और उसके बाद दे दिया है कि वह नदी नहीं है, तो यानी कुछ और है। तो इस तरीके से नदी से रिलेटेड सड़क, सड़क से रिलेटेड नदी का कोई भी पोर्शन जुड़ा हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं हम निष्कर्ष। कुछ सड़क नदी नहीं है, बिल्कुल सही है कि कुछ सड़क नदी नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ सड़क नदी हैं, तो ये गलत है क्योंकि स्टेटमेंट में साफ दिया हुआ है कि कुछ सड़क नदी नहीं है, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। इस तरीके से दूसरा नंबर है कि कुछ नदी सड़क नहीं है, बिल्कुल सही है कि कुछ नदी जो है वह सड़क नहीं है। यहाँ पे तो नदी का कोई भी भाग जो है सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपका सही है कि कुछ नदी सड़क नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी सड़क नदी नहीं है, बिल्कुल सही है कि कोई भी सड़क जो है वह नदी नहीं है। उसके बाद कोई नदी सड़क नहीं है, कोई भी नदी सड़क नहीं है, क्योंकि सड़क का नदी से कोई इंटररिलेशन नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सभी नदी सड़क हैं, तो जो भी नदी है वो सड़क है, ये भी कोई रिलेशन नहीं है, और ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट नंबर 5 स्टेटेड इस तरह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 5 दोनों जो है गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। कथन है सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, सभी बस कार हैं। तो हेलीकॉप्टर को हमने ले लिया सबसे पहले, उसके बाद बस से हमने घेर दिया उसको, क्यों? क्योंकि सभी हेलीकॉप्टर बस हैं। उसके बाद हमने सभी बस कार हैं लिया दिया हुआ है, तो बस के ऊपर से हमने कार से घेर दिया बस को। इस तरह से अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, तो बिल्कुल इसमें ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सभी बस हेलीकॉप्टर नहीं हैं। उसके बाद दे रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर कार हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सभी हेलीकॉप्टर कार हैं। आप फिगर को देख करके आसानी से ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कथन कहता है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, तो लड़के को हमने सबसे पहले रखा और उसके बाद सभी लड़के जब लड़कियां हैं तो लड़कियों को हमने उसके ऊपर कर दिया, इस तरह से सभी लड़के जो हैं वो लड़कियां हो गई। इसके बाद कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है, जब लड़की ही मूर्ख नहीं है तो लड़के मूर्ख कहाँ से होंगे, इस तरह से मूर्ख को हम बगल में बना लेते हैं। अब निष्कर्ष कहता है कि कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है, बिल्कुल सही है कि कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, बिल्कुल सही है कि कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सभी कलम कागज हैं, तो हमने कलम को लिख लिया और उसके ऊपर घेर दिया उसे, तो अब इस तरह से सभी कलम जो हो गया वो कागज हो गए। अब इस तरह से कुछ कागज जो है वह कलम है, सॉरी कथन में दिया हुआ है कि कुछ कलम फल हैं, तो इस तरीके से कुछ कलम को हमने फल में दे दिया और इस तरीके से निष्कर्ष दे रहा है। फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष है कि कुछ कागज कलम हैं, तो यहाँ पे कुछ कागज नहीं बल्कि सभी कलम जो हैं वो कागज हैं, इस तरीके से कुछ कागज जो है वो कलम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से स्टेटमेंट नंबर 2 है कि कुछ फल कागज नहीं है, तो ये भी सही है
कुछ फल जो है वह कागज नहीं है, चूंकि कुछ कलम जो है, कुछ फल जो है कलम है या फिर कागज है, या फिर कुछ कलम फल हैं, लेकिन सभी फल यानी कुछ फल कागज नहीं है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आप फिगर देख के आसानी से बता सकते हैं। कथन है कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, सभी बिल्लियां गाय हैं। तो यहाँ पे कुछ चूहे जो है वह बिल्ली हैं और सभी बिल्लियां जो है वह गाय हैं, तो हमने बिल्ली को गाय के अंदर ले लिया। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चूहे गाय हैं, तो यहाँ पे कुछ चूहे जो हैं गाय हैं, ये बिल्कुल सही है, और कुछ गाय चूहे हैं, ये भी सही है कि कुछ गाय जो हैं वो चूहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षक महिला हैं, रेखा एक शिक्षक है। तो कुछ शिक्षक जो है वह महिला है और रेखा भी एक शिक्षक है, तो यानी कि रेखा एक महिला भी है। इस तरीके से शिक्षक, रेखा और महिला तीनों में कुछ कुछ डायग्राम में आ रहा है। इस तरीके से निष्कर्ष में कह रहा है कि रेखा एक महिला शिक्षक है, ये बिल्कुल सही है। रेखा एक पुरुष शिक्षक है, ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पुरुष का कोई भी जिक्र नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर टू गलत है, स्टेटमेंट नंबर वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पुरुष साथी हैं, कोई साथी पुरुष नहीं है। तो सभी पुरुष अगर साथी हैं, तो पुरुष के ऊपर हमने साथी से घेर दिया, उसके बाद कोई साथी पुरुष नहीं है, तो कोई भी, तो इस तरीके से साथी को हमने पुरुष नहीं है से घेर दिया है, और यहाँ पे अब इस तरह से फिगर बन गया है। कह रहा है कि कोई पुरुष साथी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सभी पुरुष साथी हैं, कोई पुरुष पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे सभी पुरुष जो हैं वह पुरुष नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोई शिक्षक मेज नहीं है, कोई मेज विद्यार्थी नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, सबको अलग अलग हमने बना दिया। अब स्टेटमेंट है, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई मेज शिक्षक नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कथन कह रहा है कि कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं। बिल्कुल हमने फिगर बना दिया कि कुछ पेंसिलें जो हैं कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां कप है, यानी पेंसिल और कप दोनों से रिलेटेड है। अब है कि कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ पेंसिल कप हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ पेंसिल कप हैं, और कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ कुर्सियां पेंसिल है। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई टोपी पैंट नहीं है, कुछ पैंट कागज हैं। तो कोई भी टोपी पैंट नहीं है, लेकिन कुछ पैंट कागज हैं, तो इस तरह से हमने फिगर बना दिया इसका। अब कह रहा है कि कुछ कागज टोपियां हैं, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ कागज टोपियां हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल टोपी नहीं है, कुछ कागज पैंट हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ कागज जो हैं वो पैंट हैं, तो ये दूसरा नंबर जो है बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कथन में कि कुछ अध्यापक छात्र हैं, हमने उस तरह से फिगर बनाया है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं, सभी छात्र लड़कियां हैं, तो सभी छात्रों को हमने लड़कियां बना दिया। अब स्टेटमेंट नंबर वन कह रहा है कि सभी अध्यापक लड़कियां हैं, तो सभी अध्यापक बिल्कुल लड़कियां नहीं हैं, आप फिगर में देख के भी बता सकते हैं। कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कुछ लड़कियां अध्यापक हैं और कुछ लड़कियां छात्र हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कुछ लड़कियां ही छात्र हैं और सभी छात्र अध्यापक हैं, तो ये गलत है कि सभी छात्र अध्यापक हैं। नेक्स्ट, सभी पत्ते फूल हैं, तो सभी पत्ते हमने फूल बना दिया डायग्राम में। उसके बाद कुछ फूल फल हैं, तो यहाँ पे हमने बना दिया कि कुछ फूल जो है वो फल हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फूल पत्ते हैं, तो बिल्कुल सही है कि कुछ फूल पत्ते हैं, उसके बाद कोई पत्ते फल नहीं हैं, तो ये गलत है कि कोई फल पत्ते फल नहीं हैं, कुछ पत्ते जो फल हैं, क्योंकि सभी पत्ते जो हैं वह फूल हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ फूल जो हैं फल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ पत्ते जो हैं वह भी फल होंगे, तो इसलिए कोई पत्ते फल नहीं है, ये गलत हो जाता है। कुछ फल पत्ते हैं, यहाँ पे कुछ फल जो हैं वह पत्ते बिल्कुल होंगे, क्योंकि सभी फूल, सभी पत्ते जो हैं वह अगर फूल हैं, तो उसमें से कुछ पत्ते फल भी होंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है कुछ पत्ते फल हैं, तो ये बिल्कुल सही है।
और सभी फल पत्ते हैं, तो सभी फल पत्ते हैं ये कहना गलत होगा क्योंकि कुछ ही फल पत्ते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। कथन है कि कुछ पुस्तक कागज है, सभी कागज कलम है, तो यहाँ पे कुछ पुस्तक कागज है और सभी कागज कलम है, तो ये निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ कलम पुस्तक है, तो कुछ कलम यहाँ पे पुस्तक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, बिल्कुल सही है ये। और कुछ कागज पुस्तक हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ कागज पुस्तक हैं और कुछ पुस्तक कलम है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी चारों स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। नेक्स्ट है, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बल्ले हैं, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो दरवाजे हैं और सभी दरवाजे जो हैं वो बल्ले हैं, तो इस तरह से सभी कुत्ते बल्ले हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सभी कुत्ते बल्ले हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद कुछ कुत्ते बल्ले हैं, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ कुत्ते आपके बल्ले हैं और कुछ बल्ले कुत्ते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ बल्ले कुत्ते हैं और सभी बल्ले कुत्ते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि सभी बल्ले कुत्ते हैं, यानी स्टेटमेंट नंबर 4 आपका गलत है, बाकी 2 और 3 जो है वो सही है। कथन दिया हुआ है कि सभी चीते गीदड़ हैं, बिल्कुल, और सभी गीदड़ घोड़े हैं, तो इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी गीदड़ चीते हैं, तो ये कहना गलत है कि सभी गीदड़ चीते हैं, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अब सभी घोड़े गीदड़ हैं, सभी घोड़े जो हैं गीदड़ हैं, ये भी गलत है क्योंकि कुछ ही घोड़े गीदड़ हैं, उसके बाद एक भी चीता घोड़ा नहीं है, कोई भी चीता जो है वह घोड़ा नहीं है, ये कहना गलत है, सभी चीते घोड़े हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब एक भी घोड़ा चीता नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि एक भी घोड़ा चीता नहीं है, ये गलत गलत है, और इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है आपको निकालना है। और सिलोगिज्म में यही होता है कि आपको एक कथन दिया हुआ रहता है, उसका निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष निकालने के लिए आपको उचित तरह से डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बनाना सही से जान जाते हैं तो आप किसी भी तरह के सिलोगिज्म के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।